एशियन गेम जो कि चाइना के अंदर होनी है उससे रिलेटेड इंडिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। और इंडिया की टीम की अगर बात करें तो ऋतुराज को कैप्टनसी दी गई है। इसके साथ साथ काफी सारे न्यू चेहरे, सारे ही न्यू चेहरे सामने आ रहे हैं, वो कौन कौन से, इस पर बात करेंगे। और अगर बात करें पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका की, तो पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका की जो टेस्ट सीरीज है वो कल से शुरू होने जा रही है। गाल के अंदर पहला टेस्ट मैच होगा, पिच की कंडीशंस क्या है और क्या रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है और कौन सी टीम फेवरेट है, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद रौफ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा coverguide.one के नाम से, उसको जरूर ओपन करें, सारी क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं जी एशियन गेम की। एशियन गेम से अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो टीम है वो तो अभी तक आई नहीं है, अनाउंस हुई नहीं है, लेकिन इंडिया की टीम अनाउंस हो चुकी हुई है। जो इंडिया की टीम है उसके अंदर ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी दी गई है। अब इंडिया के पास इतना प्लेयर हो चुका हुआ था कि इंडिया के लिए मुश्किल था टीम में रखना। पिछले दिनों वेस्टइंडीज का खिलाफ T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ जिसके अंदर रिकू सिंह को नहीं रखा था, काफी सारा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन इस टीम में रिकू सिंह भी है। अगर टीम की बात करें तो ऋतुराज जो है वो कैप्टन है, जायसवाल ओपनर, राहुल त्रिपाठी जो कि मोस्ट प्रोबेबली वन डाउन के अंदर खेलेंगे वो है, तिलक वर्मा इस टीम के अंदर है, रिकू सिंह है, जितेश शर्मा आपको याद होगा पंजाब किंग्स से खेलते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज है, बड़ा तगड़ा हिटर है, वॉशिंगटन सुंदर भी इस टीम का हिस्सा, शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, अवेश खान, अर्शदीप सिंह, शिवम मावी, मुकेश कुमार, शिवम दुबे और परसिमरन सिंह जो कि पंजाब किंग्स के ओपनर भी है, विकेट कीपर बल्लेबाज भी है। तो बात करते हैं इस टीम की, तो मेरे लिहाज से ये देखा जाए तो एशियन गेम्स के लिहाज से परफेक्ट स्क्वाड है। कुछ लोग कहते हैं शेखर धवन की वापसी होगी, शेखर धवन लीड करेंगे इंडिया को, लेकिन वो कहते ही रह गए शेखर धवन की वापसी नहीं हुई, शेखर धवन नहीं लीड कर रहे, क्योंकि इंडिया ने पूरी ही पूरी यंग टीम को भेज दी है। अब अगर इस टीम को देखें तो इस टीम का जिस किस्म का ऑर्डर आया है, तो मैं तो आपको प्लेइंग 11 सीधी ऐसे ही बता देता हूं। ऋतुराज कैप्टन है, ऋतुराज ओपनिंग भी करेगा, जायसवाल साथ उसके ओपनिंग करेगा, वन डाउन के ऊपर आपका राहुल त्रिपाठी होगा, नंबर 4 के ऊपर आपका तिलक वर्मा खेल सकता है, नंबर 5 पे आपका रिकू सिंह होगा, नंबर 6 के ऊपर आपका जितेश शर्मा होगा, नंबर 7 के ऊपर आपका ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हो गया, नंबर 8 के ऊपर आपका रवि बिश्नोई हो गया, नंबर 9 के ऊपर आपका अर्शदीप सिंह हो गया, नंबर 10 के ऊपर आपका अवेश खान हो गया, नंबर 11 के ऊपर आपका शिवन मावी या मुकेश कुमार में से कोई एक हो गया। तो मतलब के 5 बॉलर हो गए जिसमें से ऑलराउंडर भी है और 6 बल्लेबाज भी हो गए, तो टीम तो एनालाइज हो गई है। अब मुकाबला होगा शिवम दुबे और तिलक वर्मा के दरमियान में, इन दोनों में से कौन खेलेगा, परसिमरन सिंह और जितेश शर्मा के दरमियान में। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। मेरे लिहाज से इंडिया ने बड़ा अच्छी टीम बनाई है, यही टीम होनी चाहिए थी, लेकिन ये ना हो कि कहीं इसमें एक्सपीरियंस की कमी हो जाए, क्योंकि सारे यंग लड़के हैं, सारी जज्बाती लड़के हैं। शेखर धवन अगर होते ना तो इनको लेके चलते, शेखर धवन को आदत भी है यंग लड़कों के साथ खेलने की। बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के, आपको पता है ये टेस्ट सीरीज कल से शुरू होनी है, आज ट्रॉफी रिवील भी, बाबर आजम ने बातें भी की। तो पिच की अगर बात करें तो पिच जो है वो बड़ा स्पिन फ्रेंडली विकेट है, जिस तरह हमने देखा वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी तरह का पिच होगा। लंका के बॉलर वेस्टइंडीज से बहुत ज्यादा खतरनाक है, पाकिस्तान का मुकाबला खतरनाक टीम से है। लंका इस वक्त ऑलरेडी जिसको कहते हैं क्वालिफाइड में अनबीटन आई है, लंका की टीम बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। मसला ये है कि दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर बारिश बहुत है, हर दिन बारिश का इम्कान है। इसी के साथ साथ जो गाल की पिच है वो है बैटिंग फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, स्पिन फ्रेंडली है, बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होगी। बाबर आजम ने भी यही चीज की, बाबर आजम ने ये भी कहा कि शाहिनशाह अफरीदी लंका के अंदर ही अनफिट होकर बाहर हुए थे और लंका के अंदर ही टेस्ट में कमबैक कर रहे हैं। हसन अली बैक टू बैक परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वापसी करेंगे, उनको जानते हैं स्ट्रॉन्ग कमबैक करना। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की टीम में दम है कि लंका के अंदर जीत सकती है, लेकिन अगर ये कहना कि लंका के अंदर 2-0 से जीत जाओ तो ये बड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे नहीं फिलहाल जैसा कहता ना वाइब आ रही इस तरह की कि पाकिस्तान 2-0 से जीत जाएगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ तो 1-1 से सीरीज लेवल हो सकती है या 1-0 से पाकिस्तान जीत सकती है, एक ड्रॉ भी हो सकता है, लेकिन 2-0 से कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि लंका की टीम इजी नहीं है, खतरनाक टीम है। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है कि मैं इतना आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान जीतेगा तो या तो ड्रॉ होगी सीरीज या तो पाकिस्तान ये सीरीज जीतेगा, ये मेरा जिसको कहते हैं ना मानना है 1-0 से या 1-1 से। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। बाबर आजम को बेस्ट ऑफ लक, बड़ा अच्छा मौका है बाबर आजम के पास अपनी 50+ एवरेज करने का और पाकिस्तान को मैचेस जितवाने का, नंबर 1 खिलाड़ी बनने का। इंशाल्लाह दोबारा जीरो के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।